बैक टू माय चैनल, मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। ये मेकअप लुक है बहुत ही कम प्रोडक्ट में, एवरीडे मेकअप या फिर पार्टी के लिए सिंपल मेकअप कहीं भी आप जा रहे हो तो ये मेकअप कैसे क्रिएट किया है इसकी वीडियो अपलोड होगी। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एंड बहुत ईजी तरीके से बहुत कम प्रोडक्ट में आप ये मेकअप अब घर पर क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल ईजी एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल्स अपलोड हो गई हैं, तो चलिए हेयर स्टाइल बताते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं, अगर आपको पोनीटेल बनाना है तो आपको कैसे करना है हेयर स्टाइल। वो बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पोनीटेल का फाइनल लुक, सिंपल प्लेन साड़ी के साथ आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज जा रहे हो, अगर आप साड़ी डाल रहे हो और आपको थोड़ा सा अच्छा लुक चाहिए, अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो और ईजी है, कोई भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो अपलोड हो गई है सिंपल एवरीडे मेकअप में, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब यही हेयर स्टाइल के साथ अगर आपको बन बनाना है, आपको आपके बाल जैसे लेयर वगैरह कट में नहीं है, स्ट्रेट कट में, तो आप पोनी बनाओगे तो नीचे से बहुत पतले दिखेंगे। तो पार्टी लुक आपको क्रिएट करना है तो पफ ऐसे ही रहने दीजिएगा और हेयर को इस तरीके से डोनट बन एक लगा लेना है। हेयर को सिंपली फैलाना है इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ, और सिंपली आगे की तरफ से थोड़ा सा हेयर लेना है एंड ट्विस्ट करते जाना है सारे हेयर को एक साथ लेके। इस तरीके से ओके, और इसको यूपिन से सिक्योर कर देना। तो इस तरीके से यूपिन लगा दिया है एंड हमारा जो बन है वो भी क्रिएट हो चुका है। इसके साथ आप पार्टी लुक के लिए गजरा वगैरह ट्राई कर सकते हो, सिंपल रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ओके, इसके साथ आपको पल्लू सेट करना है तो आप पल्लू सेट कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपने साड़ी डाली है पल्लू सेट करना है आपको, अगर आपने साड़ी डाली है पल्लू सेट करना है तो आप इस तरीके से हाई बन बनाओगे तो आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप इस तरीके से पल्लू सेट कर सकते हो और अपने लुक को काफ़ी खूबसूरत, अगर आप नई नवेली दुल्हन हो तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप नई नवेली दुल्हन हो, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल चाहिए आपको, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से अपने पल्लू को भी सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा एंड इससे आपकी थोड़ी सी हाइट भी इंक्रीज लगेगी, हाइट भी लंबी लगेगी। तो आप ये साड़ी के लिए पल्लू वगैरह डालना है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरा कौन सा हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा। शादीशुदा औरतों के लिए ऐसे ठीक रहेगा अगर आपको पल्लू रखना है सिर पे, तो और पल्लू नहीं रखना है तो जो पहले वाला हेयर स्टाइल था वो ट्राई कर सकते हो। मेरे सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा जहाँ पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ एंड जो इंस्टा आई डी PreetiY24 है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।